समय है इस मंच पे बुलाने का उस पर्सनैलिटी को जिनके बारे में मैंने कहा था कि इस इवॉल्व इंडिया सिस्टम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके स्कूल, उनके कॉलेज और उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़े बिना डायमंड बन सके। आप में से बहुत सारे लोगों को आज पहली बार मौका मिल रहा है उनसे कुछ जानने का, उनको सुनने का और उनसे कुछ समझने का। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान सुनील मान सर का है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने खड़ा होकर के आपसे बात कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर तहे दिल से उनके लिए अपना शुक्रिया शुरुआत में ही दिखाने के लिए एक बार फिर से खड़े होकर के उनको इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दें। प्लीज वेलकम Venus leader, Mr. Sunil Mann sir on the stage. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए। इतना जोरदार स्वागत करने के लिए, इतना वार्म वेलकम करने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मनोज शर्मा जी को। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हर बार मनोज शर्मा जी हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए इतनी खूबसूरत होस्टेसेस का इंतजाम करते हैं। सो शर्मा जी को यही कहूंगा कि शर्मा जी इतनी खूबसूरत होस्टेसेस मत बुलाया करो, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार, स्पीच भूल जाते हैं। वैसे स्पीच कभी कभी हंसी खुशी के मौके पे भूल सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूल सकता मैं, वो ये कि मैं एक सेफ शॉप एडवाइज़र हूँ। मैं एक चीज़ कभी नहीं भूल सकता कि मैं एक इवोल्यूशनरी हूँ। मेरे फादर मदर सेफ शॉप और इवोल इंडिया से जो संस्कार मुझे मिले हैं उसकी बदौलत मैं एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ जिसको कभी नहीं भूलता, वो ये कि किसी की बहन और बेटी की इज्जत कैसे करनी चाहिए। किसी के साथ मजाक तो कर सकता हूं, किसी को प्यार से डांट भी सकता हूं, अपनेपन से डांट भी सकता हूं, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता हूं, यह मैं हमेशा याद रखता हूं। इसलिए सबसे पहले आज इस खुशी के मौके पर, हमारी 17वीं वर्षगांठ पर, इस पावन दिन पर मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं और आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि हमेशा अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने वर्क प्लेस में और कहीं पर भी, पब्लिक प्लेस में भी, कहीं पर भी किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ बदतमीजी ना करें और ना होने दें। उनकी इज्जत करना सीखें और अगर कोई इज्जत नहीं कर रहा हो तो उनको सबक भी सिखा सकते हैं आप लोग। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और आप भी जानते हैं, हम जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, हम जिस तरह के बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में हमें सिर्फ आदमी और लड़के नहीं चाहिए, हमें लड़कियां और औरतें भी चाहिए और बराबर मात्रा में चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं ये बात कि कोई भी पक्षी, कोई भी परिंदा एक विंग के सहारे नहीं उड़ सकता, एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, दोनों पंखों की जरूरत होती है। इसलिए एक संदेश आप सबके लिए कि अपने फैमिलीज को भी अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप एक लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, इस बिजनेस को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं तो अपने बेटर हाफ को भी अपने साथ में इन्वॉल्व कीजिए। करेंगे? सो अगले साल जब हम यहाँ पर जश्न मना रहे होंगे तो आज जो डायमंड्स, डबल डायमंड्स, वीनस, मरकरी और क्राउन लीडर्स जो यहाँ पर थे उनमें कई सारी लेडीज होंगी, कई सारी हमारी बहनें होंगी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। इज दैट अ प्रॉमिस? दोस्तों जिस तरह के बिजनेस में हम हैं, जिस तरह के प्रोफेशन में हम हैं, हमें हर रोज बहुत सारे घरों में जाना होता है,
हमारे घर में अक्सर बहुत सारे लोग रेगुलरली विजिट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आपके घर में कोई आए या आप किसी के घर में जाएं, जो हमेशा हमेशा जाना भी होगा और जाना भी चाहिए, तभी हम बिजनेस करेंगे, राइट। जब भी आप किसी के घर में जाएं, तो ध्यान रखें, चाहे वो व्यक्ति चाहे वो परिवार हमारे बिजनेस में आए या ना आए, चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें, तो अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपने मैनर्स से, अपनी कर्सीज से उनको इतना प्रभावित करके बाहर निकलें कि उस घर के दरवाजे, चाहे वो ज्वाइन हुए हों या ना ज्वाइन हुए हों, हमारे साथ इस बिजनेस में आए हों या ना आए हों, उस घर के दरवाजे और उस घर में रहने वाले लोगों के दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहें। अगर आप ऐसा करेंगे, घर के और घर वालों के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, तो बिजनेस में कभी भी मायूसी नहीं आएगी, बिजनेस हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा आपका। मजाक में भले ही कुछ भी कह दूं, लेकिन जिस मकसद से मैं आज स्टेज पर आया हूं, इस मंच पर आया हूं, वो नहीं भूला हूं। होस्टेसेस कितनी भी खूबसूरत हों, अजय सामने बैठे हों, हम आपस में हेडबट भी कर लें, लेकिन याददाश्त हमारी जाती नहीं है, गजनी अभी हम हुए नहीं है, गजनी नहीं हुए ना, ना मैं हुआ हूं ना अजय हुए हैं। अजय अपना सिर दिखा रहे हैं, मैंने भी जोर से बट किया था, अगर दर्द कर रहा हो तो एक बार दोबारा मिलते। तो दोस्तों, मैं स्टेज पर आया हूं, मंच पर आया हूं, आप लोगों को ये दिखाने, ये समझाने, ये सिखाने कि अगर कभी आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, डल मोमेंट्स अगर आप कभी फेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में दिक्कतें आ रही हो, तो क्या करना चाहिए। मैं यहां पर इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स को कैसे आप नेगोशिएट करेंगे। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि जब आपका बिजनेस लो हो, जब बिजनेस में दिक्कतें आ रही हो, जब टफ टाइम आ रहे हो, तो टफ टाइम को कैसे सर्वाइव करें, बताऊं आपको। ये तो हम सब जानते हैं कि हम एक बिजनेस में हैं, और बिजनेस में बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। दिवाली अफेक्ट करती है, छठ पूजा भी अफेक्ट करती है, न्यू ईयर भी अफेक्ट करता है, शादियां भी अफेक्ट करती हैं, दूसरी कंपनियों का बिहेवियर भी अफेक्ट करता है, कभी खुद भी बिजी हो जाते हैं, कभी हमारे साथ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बिजनेस में अप डाउन्स तो हमेशा आते रहेंगे। हमारे सामने जितने लोग, जितने हमारे अचीवर्स, जितने हमारे लीडर्स जो डायमंड, डबल डायमंड और बड़े बड़े लेवल्स पर यहां पर आए हैं, इन सभी लीडर्स ने किसी समय में, किसी न किसी वक्त पर डाउन मोमेंट्स फेस किए हैं या नहीं किए हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी ऐसा नहीं है जिसने डाउन मोमेंट्स फेस ना किए हों। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका बिजनेस हमेशा ऊपर ही गया हो। हम आदमी जो आज कामयाब हैं, जिनका हम उदाहरण देते हैं, उन्होंने कभी न कभी तो बुरे दिन देखे होंगे। मुझे आज इसलिए आपको बुलाया, यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, मुझे इसलिए यहाँ पर स्टेज पर खड़ा किया गया है क्योंकि मैंने वो वक्त काफी लंबे समय तक देखा था। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने मेरी टेस्टिमनी पढ़ी है बिजनेस बुक के अंदर, वो जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब मैं इस बिजनेस में आया 7 अप्रैल 2001 को, तो मैंने पहले महीने में 167 की टीम बनाई, मैंने दूसरे महीने में 372 की टीम बनाई, मैंने पहले महीने में आज से लगभग 17 साल पहले पार्ट टाइम में काम करके 1.25 लाख रुपए कमाया, दूसरे महीने भी पार्ट टाइम करके मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया, आज नहीं, आज से 17 साल पहले। और उसके बाद एक ऐसा वक्त भी देखा, एक ऐसा दौर भी मैंने देखा कि मुझे एक सिंगल सेल निकालने के लिए बहुत लंबा अरसा लग गया। मैंने वो वक्त भी देखा जब एक सेल निकालने के लिए, एक कमीशन चेक बनाने के लिए 8.5 महीने का दौर मैंने देखा है। तो मैं जानता हूं उस बुरे वक्त से झेलना, उस बुरे वक्त को महसूस करना कैसा लगता होगा, उससे बाहर कैसे निकलते हैं, ये मैं जानता हूं। दोस्तों, मैं तो एक फाइटर था, मैं तो हिम्मत करने वाला आदमी था, मेहनत करने वाला आदमी था, स्ट्रगल करना मुझे आता था, मैं पैदाइशी एथलीट हूं, अब भले ही दौड़ता ना हो लेकिन खून मेरे अंदर वही है आज भी, मुझे फाइट करना आता है, मुझे लड़ना आता है, मैं हौसले हारता नहीं हूं, मेरे अंदर एक स्ट्रांग विल पावर है। लेकिन बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स ऐसे हैं जिनके अंदर उतनी विल पावर नहीं होती,
बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं, जब डाउन मूवमेंट्स आते हैं तो घुटने टेक देते हैं, वो थक जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, वो मुरझा जाते हैं। लेकिन आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि एक लंबी काली अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह नहीं हुई? हर काली लंबी अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा, हमेशा हमेशा बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। अगर बुरे दिन नहीं रुके, अच्छे दिन नहीं रुके, तो बुरे दिन भी नहीं रुकेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उस पीरियड को फेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी ऐसा दौर से गुजर रहे हैं या कभी गुजरेंगे, तो याद रखना क्या करना है। बताऊं क्या करना है? एकांत में बैठना शांति से, थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठना शांति से, और याद करना कि आपने सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था। एकांत में बैठना, एक तरफ जाना और मन लगाकर सोचना कि क्यों आप इस बिजनेस में आए थे, वो कौन सी जरूरतें थी, वो कौन सी इच्छाएं थी, वो कौन से सपने थे जो हम इस बिजनेस में लेकर आए थे। उनको याद कीजिएगा और फिर अपने आप से जवाब पूछिएगा, क्या वो सपने पूरे हो गए हैं, क्या वो इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया है? और शायद जवाब मिलेगा नहीं। फिर एक सवाल और पूछना अपने आप से एकांत में बैठकर, वो सवाल ये कि जो हम पहले कर रहे थे, चाहे नौकरी कर रहे थे या किसी छोटे बिजनेस में थे या किसी प्रोफेशन में थे, जो भी हम पहले कर रहे थे उसके बावजूद हमने सेफ शॉप बिजनेस को अपनाया था, अगर हम वापस चले जाते हैं उसी बिजनेस के अंदर, उसी प्रोफेशन के अंदर, उसी जॉब के अंदर, तो क्या जो हमारी जरूरतें हमें इस बिजनेस में लेकर आई थी, जो इच्छाएं हमें इस बिजनेस में खींच लाई थी, जो सपने हमने संजोए थे इस बिजनेस में आने से पहले और बिजनेस में आने के बाद, क्या वो वहां से पूरे हो सकते हैं? क्या उस नौकरी से वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो सपने पूरे हो जाएंगे? क्या उस दुकान जो आप पहले करते थे और आज बंद करके आ गए इस बिजनेस के अंदर, क्या उससे हो जाएंगे? अगर पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? तो आपको जवाब मिलेगा कि जो हम पहले करते थे अगर उसी में वापस चले गए तो हमारे सपने मर जाएंगे, हमारी इच्छाओं को दबाना सीखना पड़ेगा, हमें अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और फिर एक जवाब आएगा कि अगर इन जरूरतों को पूरा करना है, इन इच्छाओं को पूरा करना है, इन सपनों को साकार करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। और जो ऑप्शन है वो हम सब जानते हैं, उसका नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर है तो मुझे बताइए, अगर है और सेफ शॉप से आसान है तो मुझे भी बताइए। है, है? तो फिर सोचिएगा कि जिस बिजनेस की में मैं हूं, आज बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मैं डाउन हूं, लेकिन अगर बाहर निकल गया तो फिर तो जिंदगी ऐसी निकल जाएगी ना। जिंदगी में हम यही करने आए थे क्या? सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए आए थे क्या? नहीं, हम बहुत कुछ अचीव करने के लिए आए थे। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? उस सिचुएशन से, उस टफ सिचुएशन से, उस टफ टाइम से बाहर तो हम तब निकलेंगे ना जब हमें पता हो कि ये बुरे दिन आए क्यों हैं। ऐसा हमारे साथ क्या हुआ है, हमने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से हम बिजनेस में डाउन मूवमेंट्स फेस कर रहे हैं, ये जानना तो जरूरी होगा ना। जब हम ये जान जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा बाहर कैसे निकले। बोलो, मैं बताऊं क्या होता है ऐसा? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं कि ये बुरे दिन आते कैसे हैं, मैं जानता हूं टफ डेज कैसे आते हैं, स्ट्रगलिंग फेस कैसे आता है। उसका कारण है कि हम जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, हम जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, हम सोचते हैं वो सुपरस्टार है, हम सोचते हैं वो सुपरस्टार है, वो सुपर ह्यूमन है, वो बिजनेस में आ गया है, अब अपने आप काम कर लेगा, अब वो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम गलत एस्टिमेट कर लेते हैं। हम जिनके पास जाते हैं, जिनको बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, जिनको हम अप्रोच करते हैं, हम में एक गलत फहमी होती है, हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं। हमें भ्रम ये होता है
कि जिस व्यक्ति को मैंने अप्रोच किया वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है, जो कि अक्सर मिलते नहीं हैं बाजार में, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, उनके पास नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कई बार हमारे सामने जाहिर कर देते हैं और हमारे अंदर वो आ जाता है। हम जिनको ज्वाइन कराते हैं हम सोचते हैं ये व्यक्ति अपने आप काम कर लेगा, ये सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। ज्यादातर लोग कौन है पता है? जिनको मोटिवेट करना पड़ता है। लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, क्या करना पड़ता है उनको? रेगुलरली मोटिवेट करना पड़ता है। हम उनको मोटिवेट करना बंद कर देते हैं तो अपने घर में बैठ जाते हैं। ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वो धक्का स्टार्ट है। धक्का स्टार्ट देखेंगे ना, उनको धक्का मारना पड़ता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी बैटरी काम ही नहीं करती। अगर बैटरी थोड़ा बहुत काम करती है, हम उनको चार्ज करते हैं और स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। फिर हम उनको धक्का मार के स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर चलते हैं फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर हमें धक्का मार के आगे ले जाना पड़ता है। ज्यादातर लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं, हाँ या ना? अगर हम ये सोचेंगे कि जिसको मैं ज्वाइन करा रहा हूं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो सेल्फ स्टार्टेड होने वाला आदमी है, तो हम गलती करते हैं, हम भ्रम हैं, हमारे अंदर हमें गलतफहमी है। हमें क्या समझना चाहिए कि जिसको हमने ज्वाइन कराया है वो सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। हमें बार बार धक्का मारना होगा, बार बार उसकी बैटरी चार्ज करनी होगी और उसको कभी धक्का मार के, कभी खींच के, कभी पीठ पे लाद के, कभी कंधे पे लाद के अपने साथ घसीटना होगा। दोस्तों, आज जश्न मनाने का दिन है तो बहुत सीरियस बातें नहीं करूंगा, बीच बीच में आपको समझाता भी रहूंगा कि काम में मजे कैसे लेते हैं, दिल से काम कैसे किया जाता है। एक बड़ा ही मासूम जानवर होता है जिसको गधा कहते हैं, बड़ा मासूम होता है ना। आम तौर पर गधा चार पैरों वाला होता है, लेकिन यकीन मानना दोस्तों, पिछले 17 साल के करियर में एक लंबे अरसे तक मैंने 2 पैर के गधों के साथ भी काम किया है। 4 पैर के गधे तो आप जानते होंगे, 2 पैर के गधे आपने शायद कम देखे होंगे, मैंने बहुत देखे हैं। 2 पैर के गधों के साथ कैसे काम होता है ये मैं जानता हूं। अगर सीखना चाहता हूं तो कभी मेरे साथ बैठना कि 2 पैर के गधों से कैसे काम कराया जाता है, 2 पैर के गधों के साथ काम कैसे किया जाता है ये मैं सिखा सकता हूं। कभी अकेले में बैठना, आज यहां पर मौका नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 2 पैर के गधे कैसे काम करते हैं। लेकिन अक्सर जिनको हम सोचते हैं कि ये बड़ा समझदार इंसान है, असलियत में क्या होता है मैं बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, हिम्मत रखना, फाइटर होना, स्ट्रगल करना तो एक बात है, लेकिन ये फेज अगर बहुत लंबा खिंच जाए तो बड़े से बड़ा आदमी टूट सकता है, हाँ या ना? तो क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए? वो बुरे दिन जल्दी से निकल जाए, अच्छे दिन जल्दी से आ जाए। हमारा बिजनेस अभी लो पे चल रहा हो कभी तो उसको हाई पे कैसे ले जाए, उसके लिए क्या करें बताऊं? वापिस बेसिक्स पे आ जाइए। कुछ मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, आप तैयार हो जाइए, स्मार्ट ड्रेस पहनिए, स्माइल कीजिए, अपना फोन उठाइए और अपने फोन से कॉल करना शुरू कीजिए। क्या कीजिए? पहले तैयार हो जाइए, नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए, अच्छा सा परफ्यूम लगाइए, अच्छा सा डियो लगाइए, बढ़िया सा कपड़े पहनिए और तैयार होने के बाद अपना फोन उठाइए और उसके बाद कॉल कीजिए और तब तक कॉल करते रहिए। अल्फाबेटिकली शुरू हो जाइए, ऊपर से लेकर नीचे तक, 2 को कीजिए, 4 को कीजिए, 10 को कीजिए, तब तक लगातार कॉल करते रहिए जब तक कोई ना कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए रेडी हो जाए, तब तक कॉल करते रहिए। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, बुरे दिनों को पीछे भेजना है, अच्छे दिन लाने हैं, तो क्या करना होगा? हर वो व्यक्ति भी नहीं कहूंगा, हर वो चलती फिरती चीज जो आपको नजर आ जाए, जो आपसे बात कर सकती हो, जिससे आप मुलाकात कर सकते हो, उसको अपना प्रोस्पेक्ट समझिए। सबको कॉल कीजिए, एक एक करके अल्फाबेटिकली शुरू हो जाइए, नंबर वाइज शुरू हो जाइए और कॉल करते रहिए, कब तक? जब तक आपको किसी से मिलने का अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। और जाइए वहां पर और बिना किसी इफ एंड बट के, बिना ज्यादा सोचे समझे,
अपने बिजनेस का प्रपोजल सामने रख दीजिए। हम इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन टू द पॉइंट बातें कम करते हैं। इसलिए क्या करना है, सिर्फ अवेलेबिलिटी पता करनी है, पता करना है कि क्या आप अवेलेबल हो, और अगर अवेलेबल हो तो मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आएंगे, जो भी पॉसिबल हो। इन बिटवीन मिलना हो तो इन बिटवीन मिलिए, उसके घर जाकर मिलना पड़े तो उसे घर जाके मिलिए, अगर वो आपके घर आ सकता है तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन मिलिए लोगों से। और मिलने के बाद क्या कीजिए, स्ट्रेट अवे अपना बिजनेस प्रपोज कर दीजिए, और जब तक वो बिजनेस प्रपोज करते रहिए, जब तक वहां से मत उठिए जब तक वो अपना कार्ड निकाल के आपको पेमेंट ना दे दे। कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं भी बाहर तभी निकला था जब मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया। मैं दिल्ली में भी घूमा, दिल्ली के बाहर भी घूमा, इतने शहरों में घूमा कि अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन तब तक प्लान दिखाते रहिए जब तक आपको वो व्यक्ति ना मिल जाए जो आपके साथ ज्वाइन कर ले। और जब आपके साथ ज्वाइन कर ले तो ये मत समझना कि वो तेंदुलकर है या कोहली है। कौन है वो? एक आम आदमी है जिसको हर रोज मोटिवेट करना पड़ेगा, जिसको घसीटना पड़ेगा, जिसके साथ धक्के मार के आपके काम करना पड़ेगा, जिसको बाहर खींचना पड़ेगा, खदेड़ना पड़ेगा उसके बेडरूम से हर रोज, उसको अपने कंधे पे उठा के घूमना पड़ेगा, अपनी पीठ पे लाद कर घूमना पड़ेगा। और जब तक उसको कामयाब नहीं बना लेंगे जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ये कमिटमेंट कर दीजिए। जब बुरे दिन चल रहे हो तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हाँ या ना? जब बुरे दिन चल रहे हो तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जब बुरे दिन चल रहे हो, जब डाउन मोमेंट चल रहे हो, तो सिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ी टहनी, कोई भी वृक्ष की शाखा तभी ग्रो करेगी जब तक वो वृक्ष के साथ या पेड़ के साथ कनेक्टेड रहेगी। अगर किसी आंधी में वो शाखा टूटकर अलग हो गई पेड़ से तो क्या ग्रो करेगी? उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे? वो पत्ते सूख जाएंगे और ग्रोथ वहां पर रुक जाएगी। इसलिए अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, ऊंची उड़ान भरनी है, तो सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। हमेशा इवोल्व में आइए, हमेशा सक्सेस डे में आइए, हमेशा बूट कैंप में जाइए, हमेशा ट्रेनिंग में जाइए, हमेशा सेमिनार में जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर रोज सबसे पहला कॉल और सबसे आखिरी कॉल अपने अपलाइन को कीजिए। जब मेरा बुरा दौर चल रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं फाइट कर रहा था, जब मैं अपनी दूसरी लेग में लोगों को ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा था, जब मैं अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे दोनों अप्लाई मेरे साथ रॉक की तरह खड़े हुए थे, एक दीवार की तरह खड़े हुए थे। उन्होंने कोई प्रॉब्लम मेरे तक आने ही नहीं दी, हमेशा मेरे साथ में रहे। दोस्तों, बुरे वक्त मैंने ही देखा है, या सीनियर लीडर्स ने ही नहीं देखा है, कंपनी ने भी देखा है। ऐसा भी दौर रहा है कभी न कभी जब कंपनी की भी सेल्स डाउन थी, ऐसा भी दौर रहा है जब कंपनी की भी इनकम उतनी नहीं थी, उतनी सेल्स नहीं निकलती थी, लेकिन स्टाफ को सैलरी तो देनी होती थी ना, बिल तो भरने पड़ते थे ना, खर्चे तो चलते थे ना, हमें तो नहीं देने पड़ते। अगर हमारा अच्छा दिन नहीं चल रहे, हमारी इनकम कम आ रही है अगर किसी स्टेज में, तो क्या हमें सैलरी देनी पड़ती है? कंपनी को देनी पड़ती थी। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती, कोई टॉम डिक हैरी कंपनी होती, कोई आयाराम गयाराम टाइप की कंपनी होती, तो क्या आज हम यहां पर बैठे होते और 17 साल का जश्न मना रहे होते? हम एक मजबूत कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम एक सॉलिड कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की छत्रछाया में काम कर रहे हैं जो अच्छे बुरे वक्त सारे देख चुके हैं, और उसी वक्त में वो ढीले नहीं, उन्होंने अपना पैर जमा दिया अंगद की तरह। दोस्तों, पिछले सत्रह सालों में शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा सरकारी जो हमारे कंपनी के दरवाजे पर ना आया हो। पिछले 17 सालों में शायद ही कोई टैक्स अथॉरिटी ऐसी होगी जिन्होंने सेफ शॉप के अकाउंट्स को वेरीफाई ना किया हो, ऑडिट ना किया हो, स्क्रूटनाइज ना किया हो। शायद ही कोई ऐसी अथॉरिटी रही होगी जिन्होंने हमारे कामकाज के तरीकों को स्टडी ना किया हो, एनालाइज ना किया हो। और जब भी ये लोग आए हैं, जब भी ये सरकारी डिपार्टमेंट्स आए हैं, हमेशा इन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ इवैल्यूएट किया है, और इवैल्यूएट करने के बाद एक ही बात बोली है कि सेफ शॉप से बढ़िया कंपनी कोई दुनिया में है नहीं। जितनी बार ऐसा हुआ है हर बार हमारी कंपनी, आपकी कंपनी पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकली है। इसलिए सेफ शॉप उन चुनिंदा कंपनियों में है जिनको आज सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का दर्जा देती है। ऐसे ही कोई 17 साल पार नहीं कर लेता है।
उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस हमारे लीडर्स ने किया है, बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारी मेहनत हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने बिहाइंड द कर्टन की है, दीवार की दूसरी साइड उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तब हमारे लिए आज इतनी शानदार कंपनी उन्होंने बना के दी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब बुरा दौर चलता है ना तो हिम्मत टूटने लगती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलने लग जाता है, हाँ है ना। सोचिए, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं फाइट कर रहा था, जब मैं एक एक सेल के लिए दर दर भटक रहा था, एक एक आदमी के पास जा रहा था, मैं तो झेल गया, मैं उससे बाहर भी निकल गया, लेकिन इस दौरान जब मैं उससे बाहर निकला या मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, जब मैं फाइट कर रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त अगर ये कंपनी ना होती तो, जब उस सिचुएशन से मैं बाहर निकलता तब तक अगर ये कंपनी गायब हो जाती तो, बोलिए, अगर ये कंपनी ही ना रहती तो फिर मैं कहां स्ट्रगल करता, फिर मैं कहां डेवलप करता अपना नेटवर्क, फिर मैं कैसे होता इस लेवल पर जिस लेवल पर आज पहुंच गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मजबूत चीज जो हमारे साथ होनी चाहिए, और प्लेटफॉर्म जो हमें सेफ शॉप ने दिया है। हमारे यहां पर एक कहावत है कि दीवार अगर खड़ी रहे सलामत तो उस पर लिपाई पुताई तो कभी भी कर सकते हैं ना। अब ये दीवार खड़ी रही है, खड़ी रहेगी और हमेशा खड़ी रहेगी, हमेशा हमें प्रोटेक्शन देगी, हमेशा हमारे सपनों को उड़ान देगी। हमें गर्व होना चाहिए सेफ शॉप पर, हमें गर्व होना चाहिए उस सिस्टम के ऊपर जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, हमें रियली घमंड होना चाहिए इस बात पर कि हमारे पास सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इवोल्व इंडिया। दोस्तों, मैंने बताया कि जब बुरा दिन आता है तो अक्सर लोग हिल जाते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, बुरा मत मानना, छाती पर कुछ बाल होने से ना कोई मर्द नहीं हो जाता, छाती पर कुछ बाल होने से ना कोई मर्द नहीं हो जाता। मर्द से मेरा मतलब मेल और फीमेल से नहीं है, मर्द से मेरा मतलब उस एटीट्यूड से है, मर्द से मेरा मतलब उस एटीट्यूड से है जो हार नहीं मानता, मर्द से मेरा मतलब उस एटीट्यूड से है जो कहता है आई एम गोइंग टू डू इट, मर्द से मेरा मतलब है जो झुके नहीं, जो थके नहीं, जो आराम नहीं करे, जो लगातार काम करता रहे, किसी भी हालत में घबराए ना, चलता रहे और अपने साथ में अपने लोगों को लेकर चलता रहे, वही मर्द है असली में। मर्द की जो मेरी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में है एक नाम जिसको मैं हमेशा बहुत इज्जत से देखता हूं, आप भी देखते होंगे। उस मर्द डेफिनेशन में एक है पीटी उषा, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पीटी उषा है, जिसने जब तक वो एथलीट थी जब तक पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया, और जब आज वो रिटायर हो गई तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारा पैसा ना होते हुए, रिसोर्सेज ना होते हुए, आज टिंटू लुका और उस जैसे बहुत सारे नेशनल चैंपियन, एशियन चैंपियन और वर्ल्ड लेवल एथलीट पैदा कर रही है। और इसलिए मर्द बोलता हूं उसको कि एक तरफ उसके ऊपर चलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस और दूसरी तरफ वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स पैदा करती है और रुकती नहीं है और घबराती नहीं है। मर्द बोलता हूं मैं श्रीराम सिंह को, जो इंडिया के सबसे बेहतरीन एथलीट रहे हैं आज तक के, जो 3 बार ओलंपिक में पहुंचे हैं। जब वो थे तब उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और नेशनल रिकॉर्ड के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज रिटायर हो गए हैं, बहुत उम्र हो चुकी है, आज भी हर रोज शाम को किसी न किसी एथलीट को प्रेरणा दे रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, हर रोज शाम को नेहरू स्टेडियम के बाहर मिलते हैं। जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आए थे ना, मुझे याद है जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट बने थे, उस वक्त किसी ने उसको सिर्फ 10,000 रुपए का इनाम दिया था। कितना? मात्र 10,000 रुपए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, ओलंपिक से आने के बाद 10,000 रुपए मिले थे और उसके स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने उसको अपने पास बुलाया और दुनिया भर की जितनी गालियां हो सकती हैं वो सारी गालियां दी। मर्द इसलिए बोलता हूं कि 10,000 रुपए जीते थे, किसी ने इनाम भी दिए थे, वो 10,000 रुपए के लिए 10,000 गालियां सुनाई गई उसको कि तुम सर्विस में हो, सर्विस में रह के तुम किसी और से प्राइजेस नहीं ले सकते हो। उसने एक सेकंड नहीं लगाई, 10,000 रुपए निकाले और टेबल पर रख दिए कि ये पकड़िए, मैं नहीं लूंगा। उसने वर्बली क्या बोला होगा उन गालियों के जवाब में, अपने मुंह से उसने उन गालियों के जवाब में क्या बोला होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि उसने मन मन में बोला होगा कि तुम सालों अपनी ऐसे से कराओ, तुम्हारा बाप ऐसी भागेगा। इसको कहते हैं मर्द।
बोला होगा या नहीं बोला होगा? अगर नहीं बोला होता तो श्रीराम सिंह अगले ओलंपिक में भी नहीं गया होता और आप उनके नाम की चर्चा नहीं कर रहे होते। मेरी डेफिनेशन में मर्द है पुलेल गोपीचंद। जब वो खुद एक बैडमिंटन प्लेयर था तो वर्ल्ड चैंपियन था, आज रिटायर हो गया है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात स्ट्रगल करता है और एक तरफ उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चलता है, कोई उसी की एथलीट उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करती है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाती है और दूसरी तरफ साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे वर्ल्ड चैंपियन पैदा करता है। वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो हार नहीं मानता, वो सिस्टम के सामने झुकता नहीं है, वो मर्दानगी दिखाता है, वो हिम्मत दिखाता है, हर रोज उठता है, हर रोज अपने एथलीट्स को उठाता है, उनके साथ मेहनत करता है, उनसे मेहनत कराता है, इसलिए वर्ल्ड चैंपियन पैदा करता है, इसलिए उसको हम कहेंगे मर्द। अच्छे हालात में काम करना तो किसी के लिए भी आसान है ना, जो मेहनती लोग हैं उनके साथ काम करके उनको किसी लेवल पर पहुंचा देना आसान काम है ना, जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं उनके साथ काम करके उनको रास्ता दिखाकर मंजिल तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ गुजरने की हिम्मत होती है, उनको सिर्फ रास्ता बताने की जरूरत पड़ती है। एक बार उनको रास्ता दिखा दिया उसके बाद वो चलते रहते हैं, बीच बीच में गाइड करते रहो, पहुंच जाते हैं मंजिल पर। हुनर तो इस बात में है ना कि जो दो पैर वाले हैं, जिनको हर रोज धक्का मारना पड़ता है, जिनको खींचना पड़ता है, जिनको लादना पड़ता है, जिनको ढोना पड़ता है, उनको अपने साथ लेके चलो और उनको अपने साथ में डायमंड सिख तक पहुंचाओ तो मर्दानगी है। दोस्तों, जो लोग हार जाते हैं, जो थक जाते हैं, वो क्या करते हैं, या तो अपने पुराने प्रोफेशन में चले जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो अपने पुराने प्रोफेशन में, अपने पुराने जॉब में वापस चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मार्केट में ना बहुत सारे परभक्षी घूम रहे हैं। परभक्षी समझते हैं, जो किसी और का मारा हुआ शिकार खाते हैं। ऐसे बहुत सारे परभक्षी घूम रहे हैं जो हमारे डमी डेड एसोसिएट्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। डमी डेड एसोसिएट्स को अपना शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी झूठन पे अपना पेट भर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी झूठन से अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आपको, कहना चाहता हूं सबको, कि लाशें इकट्ठी करने से तो बदबू और बीमारियां इकट्ठी होंगी ना। वो लोग हमारे सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हमारे काम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसा वो कभी कर नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे बताऊं? इसलिए नहीं कर पाए, ना कभी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं है जो सेफ शॉप के पास में है। उनके पास वो शेर नहीं बैठे हुए हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारा सिस्टम तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये शेर वाला जिगर कहां से लाएंगे जो हम सेफ शॉप एडवाइजर्स के पास में है। आज अगर हम उनको अपना कचरा साफ करने की परमिशन दे रहे हैं, क्या और हमारे घर में कोई कचरा भरा हुआ उसको ले जाओ? आज अगर हम उनको अपने घर का कचरा साफ करने की परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये समझ जाएं कि हमारी आग ठंडी हो गई और हम राख हो गए। आज भी हम राख नहीं हैं, वही धधकता हुआ सोला हैं, वही धधकते हुए अंगार हैं। जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, हनुमान बनकर उनकी गलंका में घुस जाएंगे और आग लगा देंगे। एक मिनट लगेगी उन कमियों को साफ करने में हमें, क्योंकि हमारे पास आप जैसे शेर मौजूद हैं। तैयार हैं? शेर जैसी आवाज निकालेंगे एक बार दहाड़ के दिखाएंगे। अरे जब शेर दहाड़ता है ना तो बड़े बड़े लोगों की पतलून गीली हो जाती है। जब इतने सारे लोग मार्केट में निकलेंगे शेर बनकर और एक आवाज में दहाड़ेंगे तो बहुत सारी कंपनियां तो चुपके से गायब हो जाएंगी पिछले दरवाजे से। बहुत सारी आएंगी, लेकिन हम जैसे ना कोई बन पाया है ना कोई बन पाएगा, क्योंकि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। और अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में कोई बाप है तो वो है सेफ शॉप। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बाप है तो वो है सेफ शॉप। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी बिजनेस में
ग्रोथ पॉसिबल है तो वो है सेव शॉप। मैंने बताया ना छाती पर बाल होने से अमर्द नहीं होते, मैंने बताया ना कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। हमारी जितनी मर्जी कोशिश कर लें कॉपी करने की, जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर चाची को मूछें होती तो चाचा होता ना, है ना। हमारे जैसा विजन होता उनके पास, हमारे जैसा मिशन के साथ वो काम करते, हमारे जैसा जोश होता उनके पास, तो वो भी सेफ शॉप बन गए होते। सेफ शॉप तो एक ही है और जंगल में राज करने के लिए हम भी पैदा हुए हैं। दोस्तों इस दुनिया में हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि खाएं और सो जाएं खाकर। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक मकसद के साथ आए हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें किसी ने पैदा किया है, हमारे माँ बाप ने हम इस दुनिया में लेकर आए हैं, हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं तो एक मकसद के साथ लेकर आए हैं। हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम दिन गिनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम छा जाने के लिए पैदा हुए हैं, हम सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। और सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने परिवार के भी सपने हमने पूरे करने हैं, अपने नेटवर्क के भी सपने हमने पूरे करने हैं। जो हमारे साथ आ जाए, जो हमारे 3 फुट की रेंज में आ जाए, उसको हम वो बना दें जो हम बनना चाहते हैं खुद। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिससे कि दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन आ सके। बहुत लोगों को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको दूसरों की जिंदगी में बदलाव करने का मौका मिलता है, और ये मौका हमें दिया है सेफ शॉप ने। यहां पर कितने हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं जो कभी गमछा ओढ़ के चलते थे, आज टाई पहन के चलते हैं, ये बदलाव लाई है सेफ शॉप। जो कभी कुर्ता पहन के निकलते थे, आज टनाटन सूट पहन के खड़े हुए हैं, चमक रहे हैं। सिर्फ मेरा सर नहीं चमक रहा है, उनके चेहरे भी चमक रहे हैं। आज कितने सारे हमारे एसोसिएट्स ऐसे हैं, कितने सारे हमारे इवोल्यूनेंस ऐसे हैं, कितने सारे हमारे सेफ शॉप एडवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन करने के बाद ही जनरल क्लास से स्लीपर क्लास में और एयर कंडीशन में चलना शुरू किया है। कितने सारे ऐसे हमारे एसोसिएट्स हैं, कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन करने से पहले कभी हवाई जहाज में बैठकर नहीं देखा। कितने सारे एसोसिएट हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन करने के बाद अपना पासपोर्ट बनवाया। अरे हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे हजारों लोगों को हमने ज्वाइन कराया है जिनके अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, बैंक अकाउंट हमने खुलवाए हैं, उनके पैन नंबर हमने बनवाए हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना हमने सिखाया है, और इज्जत से कैसे जीते हैं ये सेफ शॉप ने सिखाया है, इवोल्यूशन ने सिखाया है। इसलिए बैठे रहना, वेट एंड वॉच मोड में रहने से बिजनेस नहीं चलेगा। उसके लिए हमने पैदा नहीं किया है ऊपर वाले ने, ऊपर वाले ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है जिंदगियों को बदलने की। सिर्फ अपनी नहीं, उन लोगों की भी जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है जो हमारे साथ आ जाते हैं, जो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जो हमारा हाथ छुड़वाकर भागते नहीं है, चाहे वो 4 पैर वाले गधे हों या 2 वाले हों, हम सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। सो आज से समझ लीजिए आप इस बिजनेस में नए आए हैं, समझ लीजिए आपका नेटवर्क 0 है, समझ लीजिए आपको फिर से एक नया नेटवर्क बनाना है, समझ लीजिए कि आपको वैसे ही मेहनत करनी है। और ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, ये कमिटमेंट मैं भी करता हूं, ये कमिटमेंट मैं भी आपसे करता हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, चल रही हैं, जब तक ईसीजी मशीन पे मेरी लाइन सीधी नहीं हो जाती है, जब तक ना मैं थकूंगा, ना मैं रुकूंगा, ना मैं आराम करूंगा और ना करने दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी यही शपथ लेकर यहां से जाएं कि मैं ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना आराम करूंगा और ना आराम करने दूंगा उनको जिनके साथ मैं इस बिजनेस को करने वाला हूं। दोस्तों सेफ शॉप वो प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है जो एक आम आदमी को, सेफ शॉप वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जो मेरे जैसे एक आम आदमी को आज हजारों लोगों के सामने बोलने का मादा दे पाई। सेफ शॉप वो जगह है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का मौका देती है। सेफ शॉप वो प्लेटफॉर्म है जो ऑर्डिनरी लोगों को, आम लोगों को जिंदगी जीने का, सपने हासिल करने का मौका देती है। इसलिए हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा और आपसे विदा लूंगा, जय सेफ शॉप, जय बोल इंडिया।
थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड।